इसी जगह हमारे बीच एक रिश्ता टूटा था, इसी जगह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, ये सोच के मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसी ने जिस जूते का इस्तेमाल किया हो और उसी जूते को किसी दिन सलाम करना पड़े, जरा सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। जूते तो हमेशा ही तकलीफ देते हैं, नए नए हो तो काटते हैं, पुराने हो तो फट जाते हैं। अभी भी बहुत दम खम है तुम में, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया, वरना लोग तो मुझसे कह रहे थे कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कुत्ते रख लो, लेकिन मैंने सोचा उनसे अच्छे तो तुम हो। अभी मैं जरा सा शोर मचा दूं कि पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम यहां पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मुझे ना किसी गवाह ना किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। सरकारी मशीनरी से जनता तक सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मिस्टर सिद्धांत सूरी, कल चालाक तुम थे लेकिन आज चालाक मैं हूं। कल वक्त तुम्हारा था लेकिन आज वक्त मेरा है। तुम्हारी फर्ज की गंगा मेरी गंदी आदतों के गटर में डूब जाएगी। जिसे तुम नफरत करते थे उसी गटर की पहरेदारी करोगे तुम। वर्दी के पिंजरे में कैद हो तुम, इसे ज्यादा कर भी कह सकते हो। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हालात के पिंजरे में कैद तो होते हैं मगर मजबूर नहीं होते। उनके बाजुओं में इतनी ताकत होती है कि वो पिंजरा समेत उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को मुजरा करने वाली तवायफ का पांव बना दिया है। पूछो कैसे? तुम्हारे हाथ मुझे सलाम करने के लिए ऊपर उठेंगे, आइए साहब बैठिए साहब करने के लिए नीचे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवायफ के पांव उसके खरीदार की मर्जी से उठते और गिरते हैं। लेकिन तवायफ के पांव कभी उड़ान नहीं भरते, इसलिए तुम जैसे खुददार आदमी के लिए ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। रिजाइन। Why should I resign? मैं कोई बुजदिल गुनेगार नहीं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस्तीफा दे दूं। जहर पीना पड़े तो पीऊंगा, ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है सो करूंगा। आइए सर। तुम यहीं ठहरो, ये आलिशान बंगला मुझे सरकार ने दिया है, आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। खड़े रहो वहीं दरवाजे पर। लड़कियों शर्माओ मत, अंदर आओ। कन्हैया कल का प्रोग्राम बताओ। 10 बजे दलाल राय से मीटिंग है जो आपको 10 लाख रुपया देने वाले हैं। उनको गारमेंट फैक्ट्री खोलना है। खोल दो सब कुछ खोल दो। अच्छा, आपने उनको बियर की फैक्ट्री का लाइसेंस दिलाने का वादा किया है। दे दो लाइसेंस दे दो, जो चाहिए दे दो। 1 बजे काला घोड़े पर एक मूर्ति के चेहरे से घूंघट हटाना है। ऐसे मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तू तो आ। गुड नाइट। इंस्पेक्टर सिद्धांत इधर आओ, इन प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए तौलिया लेकर आओ, जल्दी।
बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने इनके कपड़े उतारे नहीं, इनकी इज्जत ठगने के लिए इन्हें कपड़े दिए। नमस्ते। शहीद कपलेश्वर अमर रहे। अमर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शहीद कपलेश्वर को तब से जानता हूं जब वो सिर्फ कपाली था, बहुत बड़ा त्यागी था, दिलेर था, वो एक मसीहा था। लेकिन अफसोस, उनका अंजाम भी वही हुआ जो बहुत सारे देश प्रेमियों का हुआ है। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। हमारे यहां की पुलिस दिन ब दिन नकम्मी और बेईमान होती जा रही है। इसलिए मैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आया हूं, ताकि वर्दी पहनकर जो लोग हमारी गरीब जनता पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं, उन्हें सजा दिलवा सकूं, उनकी धज्जियां उड़ा सकूं। मेरे इंतकाम की कहानी का पहला अध्याय पूरा हो गया पिताजी। लेकिन पिताजी, अंजाम ये नहीं है। अंजाम ये है कि जिस तरह गांव वाले फसल काटते हैं, उसी तरह से मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के खानदान और नस्ल को काट दूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धांत, एक मिनट, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सिद्धांत, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे, ये भूल किस लिए? तुझे क्या कहा होगा? पता नहीं, बताओ ना। देखो मेरा ये दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ? सोचो क्या कहा होगा। पता नहीं, बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा। तुम सोच के बताओ ना। मालूम नहीं, बताओ ना। मैं जो हूं ना। हाँ? बताओ। और तुम जो हो ना। हाँ? अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम माँ बनने वाली हो। और अब लिखो, मिस्टर करण सिंह, जयपुर। अरे बिंदिया, जरा बहू का हाथ तो बटाओ। इनकी शादी हो रही है और ये कार्ड खुद लिखे, क्या ये अच्छा लगेगा बाबूजी? जब भाभी के माँ बनने के दिन करीब आ जाएंगे, तब मैं इनको आराम करने दूंगी और खुद ही काम कर लिया करूंगी। चुप, जो भी मुंह में आता है बक देती है। नारायण नारायण। वाह, क्या बात है, यहाँ तो खुशियों के लड्डू बट रहे हैं। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते, कैसी है? ठीक हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। वक्त वक्त की बात है, पहले मेरा मालिक बहुत ईमानदार आदमी था तो मैं कड़का था, अब बहुत बेईमान है इसलिए मेरे पास बहुत माल है। बैठ जाओ। अवश्य बैठेंगे, अब देखिए हम कैसे बैठते हैं। कन्हैयालाल ठीक से बैठो। बैठो नहीं, बैठिए। बैठो का जमाना गया, जब कुछ लोग मुझे कहते थे बैठो और मैं सुकड़ के बैठ जाता था। अब लोग मुझे इज्जत से कहते हैं कि बैठिए और मैं शान से फैल जाता हूँ। हंस लीजिए, होता है। मैं सोफे से गिरा, कम से कम उठ तो गया, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुर्सी से गिरते हैं तो कुर्सी के साथ खुद भी गायब हो जाते हैं। मैं कम से कम खड़ा तो हो गया। बहना, कभी कार की जरूरत पड़े ना तो घबराना नहीं, खाली मुझसे कह देना। अच्छा, तो आपने कार भी ले ली। क्या करे, आदमी जब बंगला लेता तो कार तो जरूरी हो जाती है ना। भाई साहब,
आपने बंगला भी खरीद लिया? हाँ, वो क्या है, मैंने एक बिल्डर को 20 करोड़ का ठेका दिलवाया तो उसने दलाली में मुझे एक छोटा सा बंगला तोहफे में दिया और वो बंगला मैंने जेब में रख लिया। तो यूं क्यों नहीं कहते कि माला माल होने के साथ साथ तुम दलाल भी बन गए? तो क्या हुआ, लो आजकल के जमाने में दलाल होना इज्जत की बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। दलालों की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पे छपती है, वो चाहे फिर शेयर बाजार का दलाल हो या कोठे का दलाल हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। एक बात बताओ, तुम्हें शादी में क्या तोहफा चाहिए? गेट आउट। ये कहाँ चला गया?